मवेशी मंडी से। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड स्टूडियो। जैसे कि आपके इल्म में है, पहले जो हम अपना बर्ड के ऊपर वीडियो बनाते हुए हैं, मगर हमारे व्यूवर्स की फरमाइश थी कि सुन्नत इब्राहिम बड़ी अपना ईद करीब है, तो उसके लिहाज से भी आप अपना कैटल फॉर्म की वीडियो बनाएं। तो हम अपना आज अपना मौजूद हैं बिस्मिल्लाह सिटी में, और ये मीर कॉलोनी है, तो 10 नंबर का एरिया होगा लतीफाबाद का हैदराबाद में। तो ये कि आज हम तमाम कैटल फार्म जितने भी यहाँ पे आपको सबकी वीडियो कवरेज करके दिखाएंगे और सबके रेट भी बताएंगे कि कितने वेट का जानवर है, कितने दाद का है और क्या प्राइस है उसकी। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आज देंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो शुरू करते हैं। यानी जी, हम अपना बिस्मिल्लाह सिटी पहुँच गए कैटल फार्म में। तो अभी आपको अपना हम बिस्मिल्लाह सिटी मीर कॉलोनी में पहुंच गए कैटल फार्म में। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे अपना मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना नाम बताइए। सनी भाई, आपका जो कैटल फार्म है वो किस नाम से? जीके कैटल फार्म। अच्छा सनी भाई, आपसे ये अपना आज मौजूद है आपके कैटल फार्म में, जेके कैटल फार्म में। तो हमें अपने जितने भी आपके पास कैटल हैं उसके बारे में एक एक करके बताइए, ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ की अपना नॉलेज है, और इंशाल्लाह ताला हमारे तवस्सु से आपके पास कैटल फार्म में आए और अपना आपके जानवर परचेज करें। तो सबसे पहले ये अपना जो वाइट जानवर खड़ा हुआ है, इसके बारे में बताएं, ये क्या नस्ल है? नोगरा नस्ल है, माशाल्लाह हमने मुल्तान से इसको परचेज किया है। अच्छा, दांतों में कितना है? दो दांत है माशाल्लाह। और अपना क्या डिमांड है इसकी? इसके 3.5 लाख रुपए। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा दिखाएंगे आप? अच्छा, ये दांतों में कितना है? ये भी दो दांत है। अच्छा, और अपना क्या डिमांड है इसकी? इसके 3 पीस। और इसके अलावा आपके पास कौन से? ये 4 दांत है, इसकी डिमांड है 12.5 लाख। अच्छा, नजर अबलग है। अबलग है। अच्छा जी, और इसके अलावा कौन सा दिखा रहे हैं आप? मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। ये दांतों में कितना है? 4 दांत है। और नस्ल कौन सी है? ये पंजाब की नस्ल है। और अपना क्या डिमांड है इसकी? इसकी 4.5 लाख। जो आप रेट हम ये बता रहे हैं, इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी कि हमारे अपना तवस्सु से कोई आपके पास आता है बर्ड स्टूडियो का नाम लेके, भाई अपना उन्होंने वीडियो कवरेज करी थी आपके कैटल फॉर्म में आता है, तो उसमें आप अपना गुंजाइश करेंगे रेटों में? जरूर करेंगे। चले, इसके अलावा और कौन से जानवर आप दिखा रहे हैं हमें? ये अपना कौन सी नस्ल है? ये नौशेरा फिरोज की है। और कितने दांतों में? ये 2 दांत है। क्या डिमांड रखी है आपने? 3.5 लाख रुपए। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन से आपके पास? ये दोनों 4 दांत है, 7 लाख। अच्छा, अपना इस जोड़ी के बारे में बताइए, अपना कौन सी नस्ल है ये? ये मुल्तान की नस्ल है, हमने परचेज करी थी ये पिछले महीने में। अच्छा, दांतों में कितने ये दोनों जोड़ी? ये दोनों 4 दांत हैं। अच्छा, क्या डिमांड है? ये सेल कर दिए 7 लाख। अच्छा माशाल्लाह, भाई इस जोड़ी के बारे में बताइए, ये कौन सी नस्ल है? ये मुल्तान की नस्ल है, जे के कैटल फार्म वाले जुनेद भाई हैं, जो माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इसको पाला है। वो 4 दांत है, ये 2 दांत है, इसकी जोड़ी के 9 लाख रुपये मांग रहे हैं। जी, इन जोड़ी के बारे में बताइए, ये जोड़ी कितने दांतों में दोनों, और क्या डिमांड है? ये 4 दांत है, ये 2 दांत है, शेखवान से खरीदे हमने माशाल्लाह, 4,40,000 रुपए मांग रहे हैं दोनों जोड़ी। अच्छा, अगर कोई अपना हमारा व्यूअर आता है उसमें कोई गुंजाइश कमी पेशी? जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम करने की। चले जी, फिर इंशाल्लाह ताला अपना नेक्स्ट कैटल फार्म पे चलते हैं, फिर वहाँ की वीडियो आपको दिखाते हैं और जितने भी जानवर है सबके अपना आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई, अपना आपका कैटल फार्म का क्या नाम है? आरिफ। अच्छा, अपना लोकेशन क्या है यहाँ की? बिस्मिल्लाह सिटी मीर कॉलोनी। अच्छा, तो आपके पास कितने जानवर मौजूद हैं इस वक्त कैटल फार्म में? 19 जानवर मौजूद हैं। तो आज हमें ज़रा हमारे व्यूवर्स को दिखाइए कि अपना उनकी क्या क्या रेट है और क्या दाँत है और वज़न उनका क्या क्या है, ज़रा बताइए। चले आपको
जी नासिर भाई, ये जो हम कैटल देख रहे हैं तो अपना ये दांतों में कितना है? दो दांत है। और इसकी क्या डिमांड है? इसकी 1,50,000 रुपए की बात। और वेट में कितना होगा तकरीबन? 5 मन। 5 मन। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा आपके पास? ये खड़ा है। और इसके ये दांतों में कितना है? दो दांत है। और क्या डिमांड है इसकी? इसकी 1,60। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा आपके पास? ये खड़ा है काला। ये अपना क्या डिमांड है इसकी? इसकी 1,50 है। इसके दांतों में कितना? दो दांत है। और ये नस्ल कौन सी है? ये भावलपुर। भावलपुर है जी। अपना नासिर भाई, इसका बताइए कौन सी नस्ल का है? ये मुल्तानी नस्ल का है। और दांतों में कितना है? दो दांत। और डिमांड? डिमांड 1,40 इसकी। अच्छा जी नासिर भाई, ये अपना कौन सी नस्ल है ये जो हम देख रहे हैं कैटल? ये चोलिस्तानी है। और क्या डिमांड है इसकी? 1,40। दांतों में कितना है? दो दांत। अच्छा जी। अच्छा नासिर भाई, आपके जो कैटल इसमें कोई खूबसूरत जानवर है वो हमें दिखाइए, जरा हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, उसके बारे में भी हमें बताइए। निकालते हैं मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। बकरा ईद पे, बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना। कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी हम नए कैटल फार्म पे मौजूद हैं, तो भाई से मालूम करते हैं फिर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम वसीम। वसीम भाई, आपका किस नाम से कैटल फार्म है और क्या लोकेशन है, जरा ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारे कैटल फार्म का नाम है निम्मी बम्बई वाला कैटल फार्म और ये मीर कॉलोनी में है। मीर कॉलोनी में। अच्छा, तो आप हमारे को अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनको अपने कैटल के बारे में ज़रा बताइए, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हैदराबाद के हवाले से, हमारा ये चैनल है बर्ड स्टूडियो, तो हम चाहते हैं कि हैदराबाद की जितनी भी अपना कैटल फार्म है उनकी वीडियो उनको उन तक पहुँचाई जाए, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश भी होगी कि वो भी आपके पास आएँ और अपना जानवर परचेज करें। इसमें बात यह है कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, शौक है, और निमी जो है वो बचपन से इन चीज़ों में लगा हुआ था। बिल्कुल, उनका नाम है माशाल्लाह से निमी भाई का, तो वो अपने शौक के खातिर ये कर रहा होता है, ये इसका कारोबार नहीं है, वरना इस तरीके से वो पालता है जानवर और खिलाई करता है, मैं समझता हूँ कि साल में नुकसान में जाता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से जानवर है माशाल्लाह से खिलाई पिलाई है, एक एक जानवर पर तकरीबन 4,000 से 5,000 रुपये डेली का खर्च होता है। अगर हम ये महीने में लगाएं तो 1.5 लाख बनते हैं, साल में बनते हैं 7.5 लाख, वो 2.5 साल में जानवर बर्बाद करते हैं। अब 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का जानवर फिर खरीदो भी, इसे इतने पैसे मिलते ही नहीं, लेकिन ये पागल आदमी नुकसान करके समझता है। चले तो फिर इंशाल्लाह आप अपने एक एक कैटल का हमें थोड़ा सा विजिट करा दें कि क्या क्या रेट है, तो इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। आ जाइए। ये है गुलाबी नस्ल की हिरन नस्ल, इसको कहते हैं पंजाब नस्ल है, सिंध और पंजाब क्रॉस है, ठीक है। गुलाबी बचती है माशाल्लाह से, दो दांत बचती है। ये है चोलिस्तानी क्रॉस, ठीक है, और माशाल्लाह से हैदराबाद की पहचान है, पलाई पली हुई है। इस जैसी बछड़ी का चैलेंज है हैदराबाद के अंदर किसी के पास भी हो। नस्ल में देखें और इसकी बनावट देखें, यह है साहिवाल नस्ल, ये साहिवाल नस्ल, ये भी साहिवाल पेवर साहिवाल नस्ल है ये, ठीक है। माशाल्लाह से दो दांत है ये बछड़ी, आप इसका वजन देखें। माशाल्लाह से ये है अपनी सिंध की ब्रीड, ठीक है, एक नंबर ब्रीड जिसको हम कहते हैं नुगरी, थरी क्रॉस का। ये चोलिस्तान, यह ब्राह्मण नस्ल, ठीक है, ये भी खीरा बच्चा है।
इसका नाम है हीरा करते जो खुदा के लिए कुर्बानी किया करते हैं। दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं, दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं। मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना ब्रह्मन कुर्बान करेंगे, दिल से करेंगे कुर्बान करेंगे, दिल से करेंगे कुर्बानी कर ले कबूल। पाकिस्तान में चैलेंज साढ़े आठ लाख देखो सब देखो तो प्यारी सी गायें आई। जी व्यूअर्स, अब अपना हम एक और कैटल फोन पे मौजूद हैं, आइए इनसे भाई से बात करते हैं। वालेकुम आपका नाम? आकिब। आकिब भाई, आपका जो कैटल फार्म है वो किस नाम से और क्या लोकेशन है? माशाल्लाह कैटल फार्म है बिस्मिल्लाह सिटी से ऊपर मीर कॉलोनी फर्स्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड पे मेला ही है हमारा। अच्छा, ये माशाल्लाह से आपके पास बहुत बेहतरीन और खूबसूरत जोड़ी खड़ी हुई है, इसके जरा हमें बारे अपने इसके बारे में जरा बताएं, ये कितने दांतों में जोड़ी? भाई ये गुलाबी बच्चा है, ये दो दांत है, इसमें कम पे जैसा वेट होगा कोई 15 मन। अच्छा, उसके बाद वो अबलग खड़ा हुआ है सामने बीच वाला, इसके ये भी दो दांत है, इसका वेट होगा तकरीबन 12 मन 13 मन। उसके बाद वो कॉर्नर पे बच्चों हटो, ये कोने पे खड़ा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है बच्चा, ये भी अबलग है। अच्छा, इसके मांग रहे हैं 9 लाख। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा ये भी मालूम करना था कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत जानवर है तो इनकी खिलाई पिलाई वो आप किस तरीके से और क्या कराते हैं? इनकी खिलाई भाई पूरे साल मतलब सबसे अलग होती है, जो हमारा पालने का हिसाब है वो रूटीन से और ना मतलब सबसे अलग इनको बांधा जाता है, कट्टू माल से अलग और अच्छा माल मतलब जैसे दाना चूरी खल वगैरह भूसी और रोटी सानी के अंदर सुबह में वो इसको धोता मतलब वो खिलाते हैं, और दिन में मतलब एक दफ़ा ऐसा होता है तेल भी पिलाना पड़ता है, हफ्ते में एक दफ़ा दूध पीते हैं, और बाकी किसी मतलब खुशी वगैरह ये सामान मजदूर वगैरह रखे हुए 2-3 दिन के लिए। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आपने देखे, अब आपको अपना इनको क्लोज करके जूम करके दिखाते हैं जानवर, तो ताहिर भाई अपना इनको जरा फोकस कीजिए। तहजीब में रह कर घुमाना इसको, शेखियां मार के बिल्कुल न भगाना इसको, सुनो तहजीब में रह कर घुमाना इसको, शेखियां मार के बिल्कुल न भगाना इसको, प्यार करना और कुल्फत से बचाना इसको, प्यार करना और कुल्फत से बचाना इसको। मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, मन को वो मुसलमान बहुत भाता है, देख कर उसको मुझे रश्क बहुत आता है, मेरे मन को वो मुसलमान बहुत भाता है, देख कर उसको मुझे रश्क बहुत आता है, और अब आमेगी सभी गोश्त जो पटवाता है, और अब आमेगी सभी गोश्त जो पटवाता है। मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे कुर्बान। मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ, मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा जानवर, कुर्बानी 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 कुर्बानी।
मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। बकरा ईद पे, बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना। कुर्बान करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बान करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बान करेंगे दिल से करेंगे। जो मुसलमान दिखावे से बचा करते हैं, जो खुदा के लिए कुर्बान किया करते हैं, जो मुसलमान दिखावे से बचा करते हैं, जो खुदा के लिए कुर्बान किया करते हैं। दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं, जिस तरीके से रेलवे ने आपको सारी चीजें रेट वगैरह बताए और जानवरों को भी डिस्क्राइब किया कहाँ कहाँ से मिले, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।